अंडरग्राउंड सिटी। पहुंच गया हूं कपदोकियो के पास, एक अंडरग्राउंड सिटी है और उस सिटी जो है वो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि क्रिश्चियनिटी का राइज हो रहा था। तब जो अर्ली क्रिश्चियंस थे वो छुपने के लिए एक जगह ढूंढ रहे थे क्योंकि रोमन्स उनको मार रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई और रिलीजन बड़ा बने, और इस वजह से ये जो गुफाएं हैं उनमें एक अंडरग्राउंड सिटी बना लिया था ताकि किसी को पता ना चले ऊपर से देखकर। 27 माला नीचे इन्होंने एक शहर बसा लिया जिस शहर में सब कुछ था, बाजार भी था, लोग रहते भी थे और हर तरह की सुविधा जो आज हमारे शहरों में है वो यहाँ मौजूद थी। तो मैं अभी अंदर जा रहा हूँ और फिर अंदर आपको दिखाऊंगा क्या है अंडरग्राउंड सिटी। आपको मेरी आवाज ज्यादा साफ नहीं आएगी लेकिन आप देख सकते हैं कि इसी तरह की तो इस समय मैं खड़ा हूँ अंडरग्राउंड सिटी के किचन में और आप देख सकते हैं यहाँ पे किचन का एक साइन बना हुआ है और ये होता था किचन कुछ 4000 साल पहले का। तो लाइट क्योंकि बहुत कम है इसलिए आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये किचन होता था, यहाँ से ये लोग जो है वो पानी खींचते थे क्योंकि पानी का कोई साधन नहीं था, और यहाँ से पानी खींचते थे और ऊपर वेंटिलेशन बनाया हुआ है यहाँ पर ताकि जो धुआं है वो ऊपर चला है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दीवारें भी काली हैं इस केव की, पूरी दीवारें काली हो चुकी हैं क्योंकि खाना यहीं बनता था और इसलिए जब खाना बनाते थे तो कोयले की मदद से या कुछ भी तो दीवार जो थी वो पूरी काली हो चुकी है। 4000 साल पहले उन्होंने ऐसा सिस्टम बना लिया था जो कि बहुत मुश्किल हो गया था हमारे लिहाज के तौर पर समझना। अंदर जो है जैसे मैंने आपको बताया कि एक शहर बना हुआ है, यहाँ पर भी जानवरों को बांधा जाता था इस जगह पर। ये जो था वो उनका स्टेबल इलाका था जहाँ पर जानवरों को रखा जाता था। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो जानवरों के फुटप्रिंट के अभी भी कुछ कुछ निशान हैं, और जानवरों को यहाँ बांध दिया जाता था, उनका चारा वारा यहाँ दिया जाता था ताकि वो यहाँ पर अपना खाना खा पाए। ये जो है ये एक अंडरग्राउंड टनल बनाई हुई थी, गुफा बनाई हुई थी जिसके जरिए जो है ये क्योंकि ये बहुत बड़ी अंडरग्राउंड सिटी है और इसलिए एक दूसरे के पास कैसे आए, कैसे एक जगह खाना बनता था तो कैसे खाना ले जाएं, जानवर एक जगह बांधे जाते थे तो जब मीट वीट की जरूरत पड़ती तो जानवर मारे जाते थे, और अंदर ही अंदर जो है वो पूरा शहर बसा हुआ था तो एक दूसरे के शहर का रास्ता था। मैं आपको दूसरी जगह लेके जाता हूँ। How you came here from there? Hey, that's also look. Huh? Get in and get down. Left. Come down. तो ये जो पत्थर है ये इस पत्थर का सिग्निफिकेंस बहुत है। जब मुझे नहीं बताना होता था कि मैं कहाँ हूँ जैसे रोमन्स मुझे ढूंढ पाते थे तो इस पत्थर को रोल करके, ये आप ध्यान से देखेंगे, ये पत्थर को रोल करके ये गुफा जो है वो ब्लॉक करते थे इस पत्थर को रोल करके। तो अगर मैं इस पत्थर को रोल करने की कोशिश करूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा लेकिन उस जमाने के लोग कर सकते थे। ये पत्थर को यहाँ से ब्लॉक करते थे तो यहाँ का रास्ता बंद हो जाता था, ये सिग्निफिकेंस है। इतनी छोटी सी गुफा है जिसमें से हम
निकल रहे हैं। और जिन भी लोगों को अगर आपको सांस की या दम की कुछ बीमारी है, क्लॉस्ट्रोफोबिया है कुछ है, तो यहाँ मत आइएगा, क्योंकि ये बहुत बहुत छोटी गुफा है। मैं अकेला आदमी भी यहाँ से निकलने में मैं कम से कम 50 बार टकरा रहा हूँ। तो अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी है तो यहाँ मत आइएगा। ये देखिए, फिर से एक पत्थर हमें यहाँ देखने को मिला है। जगह जगह पर ये लोग ये पत्थर लगाकर यहाँ से ये रास्ता बंद कर देते थे, ताकि ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ऊपर जाने वाला, ये रास्ता आप दिख ही ना पाए। अब मैं आ गया हूँ चर्च में, जो उस जमाने का चर्च था। और ये जो चर्च है, ये अगर आप देखेंगे तो इसका जो बनावट है ये प्लस की तरह बना हुआ है, वो सीधा जाता है, फिर ये लेफ्ट में है, फिर ये राइट में है। चर्च जो है वो ज़माने में जीसस क्राइस्ट का होना ज़रूरी नहीं था। चर्च मतलब प्रेइंग रूम होता था, जहाँ सब लोग मिलकर एक साथ दुआ करते थे, एक साथ प्रार्थना करते थे। तो ये यहाँ का चर्च था। जगह जगह पर जैसे आप देखेंगे ना, पत्थरों के बीच में दरारें हैं, दरारें बाद में बंद कर दी गई हैं, बट इन दरारों से ही सांस आती थी लोगों को। इन्होंने वेंटिलेशन रूम बनाया हुआ है जिसमें मैं आपको ले जाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको लेके जा रहा हूँ ग्रेव्स पे, जो इनका ग्रेवयार्ड था। इन्होंने ग्रेवयार्ड भी अंडरग्राउंड सिटी में बनाया हुआ था, जहाँ पर लोग जो मर जाते थे उनको दफनाते थे। It's way too dark. तो एक पतली सी गुफा से होने के बाद हम पहुंच गए यहाँ इस ग्रेवियर में, जहां पर इस तरह की ग्रेव्स बनाई हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों को दफना रहे थे। मैरिज जो है वो लेट के देख रही है, साइज ऑफ द ह्यूमन बीइंग। और इसी तरह की ग्रेव्स बनी हुई हैं, और इस गुफा से हम वापस निकलेंगे। I didn't understand one thing, if you can answer my question. Huh. This is the way to the graveyard. Hmm. Okay. One person, you or me, could not go together. How are they taking bodies there? That's what I was thinking. What kind of body sculpture was that point of time? Like, because how tall people, like, I mean, how small, how fat? And because at least two people need to take body, right? I don't know, maybe they were putting on something just... Maybe. क्योंकि ये जगह इतनी छोटी है, एक ग्रेव इतनी छोटी है कि इसमें से एक आदमी का निकलना मुश्किल है। हाँ, और इसमें से डेड बॉडी को ले जाना कितना मुश्किल हो जाता है, ये मैं सोच रहा हूँ। बहुत ही अमेजिंग स्ट्रक्चर है ये। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो जरूर आइएगा, जरूर देखिएगा। अभी मैं जा रहा हूँ वेंटिलेशन शाफ्ट में, जो कि यह है जहाँ से सांस आती थी, जहाँ से हवा आती थी, यहाँ से, क्योंकि गुफाएं बहुत गहरी होती थी। ये हवा, इतनी छोटी गुफा में हवा आने का ये तरीका है। देख सकते हैं ये रोशनी और हवा का तरीका था उन्होंने यहाँ से, और ताकि हवा पानी कैसे आएगा वो पता करते थे। मुझे नहीं पता किस तरह का लिविंग रूम है इनका, लेकिन मैं इस गुफा से नहीं निकल पाऊंगा। खड़े होने की सुविधा भी नहीं है यहाँ पर, एक बार आप घुसते हैं तो आप छोटे छोटे गाँव पे चलते रहते हैं गुफाओं में। अब जाके मैं खड़ा, कठिन है। ये सारी जगहें जो है वो कठिन है। मुझे बड़ा मजा आता है
ऐसा कुछ करने में, और इसलिए मैं एंजॉय भी करता हूँ अंडरग्राउंड सिटी. यू कैन नॉट मिलेस मुझे छोड़ गई है, क्योंकि वो कह रही है मैं इसके अलावा नहीं देख पाऊंगी. और ये जो है वो अंडरग्राउंड स्टॉल है, और हमें बहुत अंदर तक जाना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए. ये बैठी पीछे में, मजा आ गया. ओके, इफ यू हैव ब्रीदिंग प्रॉब्लम और सम और हाई ब्लड प्रेशर, डू नॉट गेट इन. इट्स वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक. आई मीन पास 10 मिनट्स प्रॉब्लम, लाइक आई से आई फेल्ट टेरिबल. आई वाज ऑलमोस्ट गोना पेन, लाइक बिकॉज़ इट्स सो क्लॉस्ट्रोफोबिक. एयर इज सो इंटरेस्टिंग, लाइक देयर इज नो एयर इनसाइड, आल्सो डस्ट अ लॉट. लाइक if you have allergies, terrible place to go. Age up to 40 cannot really enter here. I can say that age wise like also is a problem. Can I keep pushing here? Not really. In case somebody's getting it. I mean, you have to be really pretty active to get inside. कहने की कोशिश कर रही है कि अगर आपको सांस की प्रॉब्लम है, या आपको किस तरह की एलर्जी है, या यू नो आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है छोटी जगहों पे, तो ये जगह आपके लिए नहीं है. कोई कितना भी कहे लेकिन यहाँ मत आइएगा. और अगर आपको लगता है कि आप स्वस्थ हैं और गुफाओं में आपको मज़ा आता है जैसे मुझे आता है, तो यहाँ ज़रूर आइएगा, क्योंकि ये जगह जन्नत है, देखने लायक चीज़ें. उस ज़माने में उन्होंने पूरा एक शहर ज़मीन के 27 माले नीचे बसा दिया था.